सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारे, हम अकेले ही पूरी महफिल के बराबर। अजीब सी आदत और गजब सी फितरत है मेरी, मोहब्बत हो या नफरत बहुत शिद्दत से करता हूँ। हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पर राज हो, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सर पर भी ताज होता है। अब इसकी बारी, ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। मुझे बच्चा समझाए क्या? सलामत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। नजर से दूर है, दिल से दूर मत करना, हम जैसे है ना वैसे ही कबूल करना। हम में लाख बुराइयां सही, अरे हम में लाख बुराइयां सही, इन्हीं बुराइयों के बहाने हमें याद जरूर करना। दिल अब भी ना भरा हो। कुछ उन लोगों के लिए लाइन जिनकी कोई औकात नहीं, वो हमसे बोलते हैं और वो कुछ कर तो नहीं सकते मेरा, इसलिए भौंक कर। इंसान से बढ़कर कोई बेईमान नहीं, सच्चे दोस्तों से बढ़कर कोई नादान नहीं। मीठे इंसान से बढ़कर कोई बेईमान नहीं, सच्चे दोस्तों से बढ़कर कोई नादान नहीं, इस दिल से बढ़कर। कि ना जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, कि ना जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, जो हमारे हो नहीं सकते उसी पर मर रहे हैं हम। उस हरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत। काम किया तुम्हें मालूम नहीं, जेलर ने बताया नहीं। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, नाटक मत कर बल्ले। आज का वीडियो ना उन लड़कियों के लिए जिन्हें एप्स वाले बॉयफ्रेंड चाहिए, तो मेरी बात सुनो बहना, एप्स बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और तुम्हें क्या लगता है वो इतनी मेहनत करने के बाद तुमसे पटेगा? पप लोग सिगरेट का करते हैं, तूने मेरी मोहब्बत का स्मोक कर दिया। कि लोग सिगरेट का करते हैं, तूने मेरी मोहब्बत का स्मोक कर दिया। और सुन, घर से फालतू समझाए क्या कि जब चाहे बात कर दियो, जब चाहे ब्लॉक कर दिया। आप लोगों ने मुझे इतना मारा, मेरी नींदें हराम कर दी आप लोगों ने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदें कैसे हराम कर दी। मुझे मौका मिला और मैंने आपको। जिंदगी फिर उसी मोड़ से शुरू करनी है जहां पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी। वक्त था इमरजेंसी का, माहौल था दहशत का, मौका था किस्मत बदलने का। वो आर्मी थी और हम भी तो हरामी थे। चार दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है, ये सोचकर इतने सा। वो करो जो आपका दिल करे, ये जिंदगी किसी के बाप की नहीं। पता नहीं इस कमबख्त इश्क में ऐसा क्या है, जिस मंसूर अली ने बंदूक चलाना सिखाया उसी को बंदूक दिखाता है। जो हाँ बोले उसे छोड़ देता हूँ, जो ना बोले उसे तोड़ देता हूँ। आपन को टपकाने का सपना देख चलेगा, सपने में रामपुरी चक्कू से आप उनका सीना एकदम खल्ली कर डाल तो भी वांदा नहीं, लेकिन सपने को साकार करने की अगर तूने कोशिश की। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। आपन को टपकाने का सपना देख चलेगा, सपने में रामपुरी चक्कू से आप उनका सीना एकदम खल्ली कर डाल तो भी वांदा नहीं, लेकिन सपने को साकार करने की अगर तूने कोशिश की। क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की, और तेरा बाप मैं। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देख कर गया। तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। कोई सपना जरूर होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने का इंतजार हो। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं।
हॉबी आपकी प्रोफेशन बन सकती है, हर स्ट्रेंथ आपकी प्रोफेशन बन सकती है। आप करना क्या चाहते हैं? जुनून। हाथ देखिए मेरा, कम ऑन, जुनून। किस चीज का जुनून सवार है आपके ऊपर? किस चीज का? आपको पता है इतिहास कौन रचता है? कभी भी कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता। देखा है आपने कभी? मतलब ये है, बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते। बुद्धिमान लोग इतिहास। कहा था ना मेरी जान, तुम बदले तो कुछ नहीं, अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो हा ही गया। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों से। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता। बॉडी में डबल रिजल्ट सही है ना भाई, तो एक्सरसाइज लगाने के बाद बॉडी को ऐसे पंप किया करो, पूरी जान से जो भी आपने पार्ट लगाई है उस पे प्रेशर डालो, पंप करो, फ्लेक्स करो, इससे बॉडी में उस पार्ट में ब्लड फ्लो जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और बॉडी में डबल तरीके से ग्रोथ होगी। तुझे एक बात बताऊं मुझे, जिन रिश्तों में सच्चा प्यार होता है ना, उनमें कभी ब्रेकअप नहीं होता। और किसी रिश्ते में अगर ब्रेकअप हो जाए तो समझ लेना उसमें कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। तेरा एटीट्यूड बस मुझे दुख देगा, लेकिन मेरा एटीट्यूड तुझे खत्म कर देगा। खटकता तो उनको हूँ जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वो मुझे झुकने नहीं देते। कुछ ही देर की खामोशी है। आपको बताऊँ क्या है, वो डाइट। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। कितनी भी आप कसरत कर लीजिए, डाइट इज नंबर वन, 50%। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। इसे मार शेर, जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने रोक रखा हमें, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान छोटा। समुंदर को बड़ा घमंड था कि वो सबको डुबा सकता है, इतने में तेल की एक बूंद आ गिरी। सब्र कर बंदे, तेरा भी दिन आएगा। सब्र कर बंदे, तेरा भी दिन आएगा। जो आज तुझ पर हंसते है ना, यकीन मान तू मेहनत कर, एक दिन उन सब का मुंह उतर जाएगा। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। हम गुलाम मोहम्मद है छोटे, हमें सर कटाना पसंद है, सर झुकाना नहीं। नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई। समुंदर को बड़ा घमंड था कि वो सबको डुबा सकता है, इतने में तेल की एक बूंद आ गिरी। वक्त खराब है इसलिए चुप हूं, अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूं, सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब हो।